नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास टॉपिक पे जानकारी देने वाला हूं। अभी लास्ट वीक मैं ऐसे ही पूरा समझ लीजिए जो भी आप कमेंट्स लिखते हो वो स्क्रीन आउट कर रहा था। बहुत सारे पेशेंट मेरे को ऐसे पाए गए कि वो पूछ रहे थे कि सर मेरा फास्टिंग 150 है, खाने के बाद वाला 170 है, तो क्या मुझे गोली चालू करनी चाहिए, मेरा खाने के बाद वाला 225 आ रहा है, या किसी किसी पेशेंट का बोल रहे थे कि 136 है, तो क्या मैं गोली चालू करूँ कि नहीं, क्या मुझे गोली चालू करनी चाहिए कि नहीं। अभी आज के इस वीडियो में मैं इसी प्रश्न के उत्तर देने वाला हूँ। अभी ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये और ज्यादा लोगों के पास जा सके। तो चलिए आइए अभी स्टार्ट करते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो डायबिटीज के पेशेंट ने दवाई कब चालू करनी है? अभी इसके एक सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जब भी डायबिटीज डिटेक्ट कभी होता है, हम लोग डायबिटीज आना कभी बोलते हैं, जब भी फास्टिंग आपका 126 या उसके ऊपर चला जाता है, या खाने के बाद वाली शुगर आपकी 200 या उसके ऊपर चली जाती है, या HbA1c आपका 6.5 और उसके अबव चला जाता है। तो इसका मतलब है जब भी डायबिटीज डिटेक्ट होता है आपने गोली चालू कर देनी चाहिए। तो फास्टिंग अगर आपका 126 के ऊपर है, खाने के बाद वाला आपका 200 के ऊपर है, और 3 महीने का एवरेज आपका 6.5 के अबव है, तो आपने गोली चालू कर देनी चाहिए। अभी बहुत सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि सर मैं डाइट एक्सरसाइज करूंगा तो गोली क्यों चालू करूं। बिल्कुल सही बात है, देखिए डाइट एंड एक्सरसाइज से भी कंट्रोल आएगा, पर मैं आपको गोली चालू करते समय ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डाइट और एक्सरसाइज मत करो। मैं आपको बोल रहा हूँ डाइट एक्सरसाइज भी करो और साथ में गोली भी चालू करो। इसका दो रीजन है, एक पहला तो समझ लीजिए डाइट एंड एक्सरसाइज से ना शुगर नीचे लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट का HbA1c 9.5% है, खाने के बाद वाली 250 आ रही है और खाली पेट वाला 150 के ऊपर है, वो डाइट एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा करके नीचे आएगी शुगर, पर एक उसको ना काफी महीने लग जाएंगे। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि डाइट एंड एक्सरसाइज से ना शुगर नीचे लाने के लिए थोड़ा समय लग जाएगा। तो आप एक चीज समझ लीजिए, ये लगने वाला जो समय है इसमें भी शुगर बढ़ी हुई है और खून के माफक बॉडी के हर ऑर्गन पे जा रही है और उसको डैमेज कर रही है। तो जब अगर गोली चालू करेंगे और साथ में डाइट एक्सरसाइज करेंगे तो ये जल्दी नीचे आ जाएगी, तो अपने को 1-1.5 महीना रुकना नहीं पड़ेगा, 10 दिन के अंदर ही शुगर नॉर्मल रेंज में आ जाएगी, तो बॉडी को नुकसान कम होगा, टिश्यू डैमेज कम होगा। तो आप ऐसा अप्रोच मत सोचिएगा कि मुझे सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज से ही शुगर कंट्रोल करनी है। आप ऐसा सीजिए कि गोली भी चालू कीजिए, साथ में डाइट एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल आए, और जैसे आपका HbA1c 6.5 के नीचे जाएगा गोलियां कम करते जाइए, टेपर करते जाइए। अगर आप बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हो डाइट एंड एक्सरसाइज तो गोलियां टोटली बंद भी हो सकती है, पर पहले से ही मैं गोली चालू नहीं करूंगा ये अप्रोच मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ है, ये बारे में आपको सोचना चाहिए। और हो सके तो एक चीज ध्यान रखिए, एक बार गोली चालू हो गई मतलब हमेशा चलती रहेगी, ऐसा अप्रोच नहीं रखिए। आप ऐसा अप्रोच रखिए कि मेरी शुगर हर बार नॉर्मल आनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें बॉडी के सारे ऑर्गन्स पुर्जे अच्छे तभी रहेंगे जब भी आपकी शुगर अच्छी रहेगी। तो ये मेन आपको ध्यान देना है कि शुगर जल्द से जल्द नीचे लानी है, अंडर कंट्रोल रखनी है, और डाइट एंड एक्सरसाइज तो ट्रीटमेंट का मेन स्टे है ही, हर एक डायबिटीज पेशेंट को डाइट एक्सरसाइज करना ही है, और गोलियां एटलीस्ट जब भी शुगर ज्यादा है तभी लाइए, बाद में आप उसको टेपर करने की कोशिश कीजिए, उसको कम करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज सादी सोचिए कि अगर डाइट एक्सरसाइज से शुगर नीचे ला सकते हो तो गोली प्लस डाइट एक्सरसाइज से तो जल्दी लाओगे ना ऑब्वियसली। तो अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल लाए एंड देन गोलियां कम करो एंड मेंटेन रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गोलियां खाऊंगा ही नहीं करके, और जब तक चाहे 3 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लगे, और शुगर बढ़ती है, ऊपर ही रह रही है, और डाइट एक्सरसाइज ही फॉलो कर रहे हो पर शुगर नॉर्मल आ ही नहीं रहा है HbA1c। तो ये नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए आपने उसको, और उतने इसमें शुगर नॉर्मल लानी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, कुछ डाउट्स रहे तो कमेंट्स में डालिएगा। और मेरे पुराना वाला एक बारिश वाला भी वीडियो अभी मैंने रिलीज किया है कि बारिश के मौसम में डायबिटीज वालों ने क्या करना है, वो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वाले एक वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।